प्रधाननगर इलाके में एक ही नंबर के दो वाहन मिले, पुलिस जांच में जुटी। सिलीगुड़ी के प्रधाननगर में एक ही नंबर के दो वाहन मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी जंक्शन बस स्टैंड के सामने एक खाली जमीन पर कुछ समय से काफी सारे वाहन रखे जा रहे थे। इस बीच कल अचानक कुछ स्थानीय लोगों ने दो वाहनों को देखा और दोनों वाहनों के एक ही नंबर WB74P6439 थे। बाद में इसकी जानकारी प्रधाननगर पुलिस को दी गई, जिसके बाद आज पुलिस ने दोनों वाहनों को थाना ले आई। हालांकि यहां ये वाहन कैसे पहुंचा और इन वाहनों के मालिक कौन है, इसका पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से इस खाली जमीन में वाहनों को रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, इन वाहनों में शराब के सेवन के साथ साथ असामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं। फिलहाल प्रधाननगर पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है, वहीं वाहन के मालिक को भी ढूंढा जा रहा है। জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে রাত্রিবেলা কত ধরনের গাড়ি আসে রাখে কে নিয়ে চলে যায় আমরা কিছুই বলতে পারব না। এই বিষয়টা তো আমাদের লক্ষ্য করলে আমরা দুপুরবেলার দিকে দেখে তারপর আমরা ইনফর্ম করলাম। একই নম্বরে পাশাপাশি দুটো গাড়ি রাখাতে আরও চোখে পড়লো জিনিসটা। তো এখানে একটা ফাঁকা জমি আছে, এই জমিতে প্রত্যেক দিন বাইরে থেকে প্রচুর গাড়ি আসে, কাদের গাড়ি আমরা জানি না, অবৈধ কাজকর্ম চলে, মদ খাওয়া চলে, গালিগালাজ চলে। এবার এই নিয়ে আমরা বহুবার কমপ্লেন করেছি, কোনো কিছু হয়নি। কালকেও আমরা পুলিশ দেখেছিলাম, এখানে একটা কিছু অসামাজিক কাজকর্ম চলছিল। যাই হোক, তারা এসে আইডেন্টিফাই করে যে দুটো নম্বরের একই গাড়ি, তো এটা মনে হচ্ছে এখন চোরাই গাড়ি। পুলিশরা এসছে, তারা এখন ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করছে।